हल्द्वानी टीपी नगर पुलिस ने 103 ग्राम स्मैक के साथ एक बनभूलपुरा के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी बरेली के भूजीपुरा के स्मैक तस्कर से स्मैक खरीद कर लाया था। बता दें कि स्मैक की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लाखों रुपये की है। आरोपी के हवाले से मिली बिना कागजात वाली बाइक को भी पुलिस ने सीज कर दिया है। कल शाम 4:30 बजे क्षेत्र में गश्त के दौरान 3 पुलिस कर्मियों ने बिजली घर के सामने से सतवाल पेट्रोल पंप की ओर बढ़ते हुए कमल रेस्टोरेंट के बाहर एक व्यक्ति को देखा, जो उन्हें देखकर हड़बड़ी में रेस्टोरेंट के अंदर घुस गया। पुलिस टीम ने भी उसका पीछा किया और रेस्टोरेंट में घुसकर उसका परिचय लिया तो उसने अपना नाम 30 वर्षीय मिक्की वारसी बताया और खुद को बनभूलपुरा थाना क्षेत्र नई बस्ती का निवासी बताया। पुलिस टीम ने उसकी पहचान पूर्व में NDPS एक्ट के तहत जेल जा चुके व्यक्ति के रूप में की है। उसने स्मैक होने की बात कबूल की है। बाद में इंस्पेक्टर संजीत कुमार द्वारा CO हल्द्वानी भूपेंद्र सिंह धोनी को घटना से अवगत कराते हुए तलाशी की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए मौके पर बुलाया गया। उसके हवाले से 103 ग्राम स्मैक भी बरामद हुई है। उसने बताया कि वह भूजीपुरा निवासी एक तस्कर से स्मैक खरीद कर लाया था। इंदिरानगर निवासी एक व्यक्ति से भी स्मैक खरीदता है। बाइक के कागज नहीं दिखाने पर पुलिस ने बाइक को भी सीज कर दिया है। पुलिस द्वारा हल्द्वानी कोतवाली और SOG द्वारा एक कम्बाइंड अभियान चलाया गया, जिसमें मिक्की वारसी युवक पकड़ा गया है। इसके पास से आपका इलेक्ट्रॉनिक तराजू, 103 ग्राम स्मैक और मोटरसाइकिल बरामद की गई है। ये पूर्व में भी लगातार स्मैक बेचने का काम करता था। इसके द्वारा 4,000 से 5,000 रुपया ग्राम स्मैक बेची जा रही थी। इसका नेटवर्क बरेली से ये लाता था और यहाँ लोकल स्तर पे विद्यालयों में खासकर इसकी सप्लाई का होता, बच्चों पे इसका फोकस रहता था। इसके 2 साथी हैं जो अभी फरार चल रहे हैं, नामजद किए गए हैं। पुलिस लगातार दबिश दे रही है और जल्दी इनकी गिरफ्तारी की जाएगी। और ये जो स्मैक का हमारा जो लगातार अभियान चल रहा है, इसमें हम बरेली नेटवर्क पे काम कर रहे थे, उससे यहाँ का जो लोकल नेटवर्क है इसकी एक महत्वपूर्ण कड़ी ये मिक्की वारसी है और इसके मुकदमों के आधार पर आगे गैंगस्टर की कार्रवाई भी जल्दी की जाएगी।